जय श्री राम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में तो यह आईपीओ हमारा उनतीस नवंबर से खुल चुका है और तीन दिसंबर तक यह खुला रहेगा इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो अठहत्तर से तिरासी रुपये पर शेयर का है और एक लॉट में आपको सोलह सौ शेयर मिलेंगे कंपनी टोटल इशू साइज लगभग साढ़े अट्ठानवे करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा पैसा जो यहाँ से लिया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज़ किया जाएगा चार दिसंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा पाँच दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड आ जाएगा पाँच दिसंबर के दिन ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे या फिर छः दिसंबर के दिन जब इस आई की लिस्टिंग होगी सुबह दस बजे से पहले उनके शेयर उनके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोट अप्लाई कर सकते हैं और एक लोट के लिए आपको इसमें एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपए पे करने पड़ेंगे प्री आई प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो लगभग इक्यासी की है पोस्ट आईपीओ यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं बताई गई है कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है दो में हुई थी और कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी काम करती है कंपनी के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियल सिविल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बिल्डिंग उसके साथ ही रोड रेलवे पावर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में वो कंपनी करती है और उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन भी है और कंपनी ने अपने सेगमेंट को तीन सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है सबसे पहला है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कंपनी जो भी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाती है जैसे की ऑफिस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड टावर उसके साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और पावर

पंपिंग सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड रिजर्वायर्स उनकी कंस्ट्रक्शन का काम भी ये कंपनी करती है और उत्तर प्रदेश में 2022 हजार में कंपनी ने हर घर जल मिशन में भी पार्टिसिपेट किया था कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है इसके साथ ही कंपनी एंड टू एंड सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है एंड टू एंड सर्विस में जो भी इंजीनियरिंग प्रोक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम होते हैं वो कंपनी खुद ही करती है जैसे प्लानिंग डिजाइन एग्जीक्यूशन मटेरियल की सप्लाई फॉर सिविल में इलेक्ट्रिकल वर्क मैकेनिकल वर्क वही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो ये कंपनी खुद ही करती है हम इसके बाद कंपनी के कुछ क्लाइंट्स की बात करें कंपनी के क्लाइंट्स में मैगनम वेंचर राय केला आयरन और जे डी केबल प्राइवेट लिमिटेड सिलिका मोटरकोप जैन इंटरनेशनल एंड निर्मला डेवलपर्स ये कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो मेनली राजस्थान उत्तराखंड महाराष्ट्र उड़ीसा हरियाणा झारखंड बिहार जम्मू कश्मीर

तेईस में वो बढ़ के एक करोड़ चौबीस में कंपनी का रिवेन्यू दो सौ इक्यानवे करोड़ और फाइनेंशियल ईयर पच्चीस के बस 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो रिवेन्यू है वो दो सौ करोड़ रुपए था काफ़ी तेजी से कंपनी का रिवेन्यू ग्रो कर रहा है उसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 1.8 करोड़ तेईस में बढ़ के लगभग 5.2 करोड़ 24 में कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है और फाइनेंशियल 25 के अगस्त तक का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो वो लगभग 15.37 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है अब देख सकते हैं कंपनी कितना मैसिव प्रॉफिट कर रही है इससे ये पता चल रहा है की कंपनी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं उसके कस्टमर से कंपनी के पास लगभग पचास करोड़ रूपये के रिजर्व है और उसके ऊपर सिर्फ दस करोड़ रूपये का कर्जा है तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तीन करोड़ रूपये की है और जो डेप टू इक्विटी रेशो है वो 0.16 का है और कंपनी 10 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है अगर हम इसके पी को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें कि ये वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है तो इसके कंपटीटर्स में कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट चवड़ा इंफ्रा लिमिटेड वीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड पीएसपी प्रोजेक्ट उनका जो पी रेशो चल रहा है वो सत्रह से लेके कर इक्कीस तक का चल रहा है कंपैरिजन में कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो काफ़ी सस्ती रखी है हालांकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स का है और इसके जो कंपटीटर्स का अर्निंग पर शेयर है वो सात से लेके चौंतीस के बीच में देखने को मिल रहा है उनका अर्निंग पर शेयर कंपनी से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में ही है तो कंपनी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है तो कंपनी की जो वैल्यूएशन नज़र आ रही है वो रीजनेबल नज़र आ रही है वो ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसका जो यूज है वो कंपनी जो फ्यूचर में बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट परपज के लिए भी इसका यूज कर सकती है बाद अगर हम फर्स्ट डे के दिन इसका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखें तो अभी तक इस आईपीओ में लगभग गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है रिटेल कैटेगरी में लगभग ढाई गुना एनआई कैटेगरी में वन पॉइंट गुना सब्सक्राइब हो चुका है दो दिन और बाकी है तो तीन दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा तो आने वाले दो दिनों में हमें क्यूआई और एनआई कैटेगरी में और भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो पैंतीस रुपए के आसपास चल रहा है जो कि टोटल फोर्टी टू परसेंट के आसपास देखने को मिल रहा है तो जब से ये ओपन हुआ है तब से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार तेजी ही बनी हुई है और अगर इसमें काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी होता है तो मे बी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें पचास से ज्यादा का भी होता हुआ नजर आ सकता है तो ओवरऑल बात करें इस आई में अप्लाई करें या ना करें तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस आई में अप्लाई कर सकते हैं कंपनी काफी अच्छी है उसके फाने, उसके फाइनेंशियल और ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है उसकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी नजर आ रही है पांच करोड़ रुपए के कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो फिलहाल रनिंग में चल रहे हैं और कंपनी आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे इस आई को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये एक ऐसे आईपी है तो उससे पहले अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें